हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ चली अंजलि। तो मैंने सुबह से आज कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम सारे इतने ज़्यादा थके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी होती है ना, शादी के बाद जब लड़की की विदाई हो जाती है तो सबका एकदम वो एकदम आलस वाला मूड ऑन हो जाता है। सबको आलस आ रहा होता है, सबको नींद आ रही होती है, किसी का कुछ फेल कर रहा होता है, तो वो सब था। और बहुत सारा काम फैला हुआ था, मतलब घर गंदा हुआ पड़ा हुआ था और ये सब, तो हम सारे उसी में लगे हुए थे। और हमें अभी, मैं ऐसे सूट वूट पहन के रेडी हुई हूँ क्योंकि हमें आज जाना था ताई जी के, तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग की शुरुआत वहीं से करूँगी। तो यहीं पास में मामा चौराहे के पास हमारी एक ताई जी रहती है, तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं, मतलब तो सारे जा रहे हैं क्योंकि उनके घर पर भी गणपति रखे हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है और अंश दीदी जा रही है। दीदी रेडी होगी साड़ी वाड़ी पहन के, पापा रेडी हो रहे हैं, पापा भी टी शर्ट पहन रहे थे। तो मैं पापा को मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ। और शिवा आज हमारा एकदम हीरो बन गया, शिवा ने पहले मना कर दिया कि मुझे मत दिखाओ। और मम्मी हमारी रेडी हो रही है, मम्मी कर रही है यहाँ पे शाम की आरती। आरती करने के बाद हम जाएंगे पप्पा की आरती करने के लिए। सुई लगा के आते हैं हम, अभी सुई लगा के मैं आपको भी लग, और तुम्हारे लिए भी एक सुई लेके आएंगे, ठीक है? ओके, इंजेक्शन लिए पीछे छुपाए हैं, नहीं इंजेक्शन छुपाए हैं, लोग आ जाएं, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? आज सैटरडे तो मम्मी को दिया जलाना था, तो हमने सोचा पहले हम रुक के दिया जला लेते हैं, इसके बाद हम निकल जाएंगे। गन्नू पापा के दर्शन करते हैं, और गन्नू पापा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उससे हमने वहीं से मंगाया, वो सिद्धि विनायक से हमें लेके आया मेरे लिए। बढ़िया है ना, अच्छा बना ना। हेलो, ये वैसे ही बनाया है, बस तुम उसमें काली मिर्च डाल देते हो। हाँ जी, तो हो गई आरती। आरती के बाद खाया जा रहा प्रसाद, और ये इसको तो मैंने दिखा दिया ना पहले ही। हाँ, फिर से अंशी दी की क्या भरी जा रही है, कोच। हाँ जी, तो भाई हमारे हो गए हैं दर्शन, हमने खा लिया प्रसाद, चाय पी ली है क्योंकि वो भैया ने बनाई थी, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और ताई जी ने इतने अच्छे से घर रखा हुआ है अपना, जबकि वो बीमार है, मतलब शी कांट वॉक प्रॉपरली, पर स्टिल, और कोई हेल्पर नहीं है, तभी भी उन्होंने घर बहुत अच्छे से रखा हुआ है। देखो अब, अच्छा ऐसे करा जाता है। हाँ, ताई जी झाड़ू लगानी पड़ेगी। बाय बाय। अंजू दी छुप क्यों रही हो, सामने आओ, छुप क्यों रही हो, बहुत दिन चावल इकट्ठे हो रहे हैं, तैयारी का पता नहीं है। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए हैं घर, और घर आते ही मम्मी और अंशु भी डिनर के लिए लग गई हैं, और मैंने जस्ट अभी ब्लॉग अपलोड करा है, तो मेरा ब्लॉग देखो यार, सारे थोड़ा प्यार दो। आज के ब्लॉग में तो मुझे लग रहा है छोटा सा ब्लॉग बनेगा, बट ठीक है। और आज खाने में बन रहा है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, भिंडी और दाल। बाकी आज एकादशी है, बट मैंने तो आज सुबह गलती से पोहा खा लिया, तो कुछ नहीं कर सकते, सॉरी हो गई भगवान जी को।
और शिवा मेरा लेट के व्लॉग देख रहा है, पर वो जिस हालत में मैं लेट के मेरा व्लॉग देख रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना आप शर्मा जाओगे। मैं भूल गई कि व्लॉग तो मेरा अभी छूट ही रहा है, तो मैं अभी पहुँच चुकी हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए। और बताओ गाइस, आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हैं? सही बताऊँ, ये शिवा का है फेस वॉश, पर मैं उसका फेस वॉश डेली लगा रही हूँ बेटा। वो अभी ब्लॉग में देखेगा, वैसे तो उसे पता नहीं है, मेरे को मजा आएगा कि तो मेरा ही यूज़ कर रही है। यार मुंह धुलने के बाद तो मैं और काली लगने लग गई। मैं काली नहीं हूँ, यह फोन काला दिखाता है। फोन मुंह धुल लिया है, मुंह पोंछ लेते हैं, लिप बम लगा लेते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि जिस कमरे में मेरा नाइट केयर रखा हुआ है ना उस कमरे में सब सो चुके हैं, तो इससे अच्छा है कि वो मेरे को उठ के पीटे, तो अपन जाते हैं मुंह पोंछ के आराम से सो जाते हैं। और जब आपको टॉवल ना मिले ना तो आपको पता है क्या करना चाहिए, आपकी टी शर्ट ऑलरेडी बड़ी होती है और टी शर्ट से ज़्यादा साफ कपड़ा तो कुछ होता नहीं है, तो आपको ऐसे करके टी शर्ट लेनी है और बस उससे ऐसे करके मुंह पोंछ लेना है। लिबाम भी मेरा लग गया है। अब अंदर चलते हैं, सोते हैं, आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। तो इसको थोड़ा सा प्यार दे देना यार।